Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing the procedure of converting your private limited company into one person company. First of all, what is a private limited company? Private limited company एक वो company होती है which is held privately by a small group of individuals. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. वेयर एज इन केस ऑफ ओपीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीसी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ओपीसी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. ओपीसी के केस में कोई भी वन मेंबर मींस ओपीसी के केस में सिर्फ वन मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है और सिर्फ वन मेंबर ही ओपीसी को फॉर्म कर सकता है. बट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओपीसी में 15 हो सकते हैं. 15 से ज्यादा नहीं हो सकते बट मैक्सिमम 15 हो सकते हैं बट मेंबर वन ही रिक्वायर्ड होता है. नाउ दी बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन, क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं लोग अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपीसी में. फर्स्ट इज ओपीसी कैन बी इजिली मैनेज्ड. सेकेंड, नो नीड टू कंडक्ट एजीएम, क्योंकि मेंबर ही एक होता है इसलिए यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स, सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स ही सफिशियंट होती है और अगर केवल एक ही डायरेक्टर है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट, लेस कंप्लायंसेस एज कंपेयर टू कंपनी एंड ओनली वन पर्सन विल बी द ओनर ऑफ द ओपीसी. व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू कन्वर्जन? सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Along with this, read with Rule 7 of Companies Incorporation Rules 2014. तो कोई भी private company other than company which are registered under Section 8 of Companies Act 2013 convert की जा सकती है OPC में by passing special resolution, and before passing the special resolution, company shall obtain no objection from the members and creditors. तो कोई भी कंपनी अदर देन दी कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 वो अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके. लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने से पहले कंपनी को एनओसी लेना होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स. मेंबर्स से एनओसी लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर द कन्वर्जन मेंबर्स नहीं रह जाते हैं, ओपीसी का सिर्फ एक ही मेंबर रह जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर. सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाएगी. उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू ओपीसी. देन किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा टू फाइल फॉर्म विद आरओसी. जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स है फाइलिंग के वो फाइल किए जाएंगे और उसके लिए किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा. फिर उसके साथ ही डेट टाइम एंड वेन्यू डिसाइड किए जाएंगे जनरल मीटिंग के, जहां पर भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है क्योंकि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फॉर द कन्वर्जन. उसके बाद किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाएगा कि वो नोटिस सेंड करेंगे फॉर द जनरल मीटिंग एंड जो भी नोटिस ड्राफ्ट किया जाएगा उसको अप्रूव किया जाएगा उस बोर्ड मीटिंग में. नेक्स्ट स्टेप इज टू इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग. नोटिस इशू किया जाएगा जनरल मीटिंग का. जनरल मीटिंग चाहे ईजीएम हो सकती है या एजीएम अगर आपकी होने वाली है उस टाइम पे तो एजीएम भी हो सकती है. तो एटलीस्ट 21 डेज पहले आपको नोटिस इशू करना होता है जनरल मीटिंग का. शॉर्टर नोटिस भी आप इशू कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेंट हो एटलीस्ट मेजॉरिटी इन नंबर की, यानी कि शॉर्टर नोटिस आप विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स आप इशू कर सकते हैं. और 95% अगर वोटिंग राइट्स पे देखा जाए तो 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए फॉर द शॉर्टर नोटिस. इसके साथ ही जो नोटिस है वो किस किस को इशू किया जाएगा, टू ऑल द डायरेक्टर्स मेंबर्स एंड द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज होल्ड जनरल मीटिंग. अब जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, उस जनरल मीटिंग में आप कोरम देखेंगे, ऑडिटर प्रेजेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या उसकी लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट की गई है या नहीं करी गई है. उस जनरल मीटिंग में अब स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा. स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ एक अप्रूवल उस चीज की भी ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी कंपनी की ऑल्टरेशन होगा तो उसके रिगार्डिंग भी अप्रूवल किया जाएगा.
नेक्स्ट स्टेप इज फाइलिंग ऑफ फीस एंड फॉर्म्स। अब आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है, जनरल मीटिंग कंडक्ट हो चुकी है, तो अब आपको रिक्वायर्ड फॉर्म्स एमसीए पे फाइल करने होंगे। तो फर्स्ट फॉर्म इज टू फाइल फॉर्म एमजीटी 14, क्योंकि एसआर पास हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी पास होता है उसके विद इन 30 डेज कंपनी को एमजीटी 14 फाइल करना होता है। तो एमजीटी 14 फॉर्म फाइल किया जाएगा अलॉन्ग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट्स, जो भी कॉपी है स्पेशल रेजोल्यूशन की वो, नोटिस जो गया था ईजीएम का अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑल्टर्ड एमओए एंड एओए, एनओसी जो आपने ऑब्टेन करी है फ्रॉम द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज टू फाइल फॉर्म आईएनसी 6। आईएनसी 6 इज फॉर द एप्लीकेशन फॉर कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। तो आईएनसी 6 भी आपको फॉर्म फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद द अटैचमेंट्स। क्या क्या अटैचमेंट्स जाएंगी? लिस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड द मेंबर्स, ऑल्टर्ड ईएमओए एंड ईएओए, एफिडेविट लगेगा इसी के साथ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स कंफर्मिंग दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर कन्वर्जन। इसके बाद अगर आपका आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने सारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं, सारे कंप्लायंसेस किए हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट थी सारी अटैचमेंट्स की वो आपने लगाई हुई है, तो आरओसी जब आपका सेटिस्फाई होगा तब वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ योर प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग योर प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।